अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आज दानकाश शो। आपने सवाल पूछा है लैंग्वेज क्लासेस, मार्केटिंग या ट्यूशन क्लासेस के बारे में, कुछ बता दें कि इस बिजनेस को कैसे करना है, यही सवाल है ना। व्हाट अबाउट ट्यूशन क्लासेस और लैंग्वेज क्लासेस मार्केटिंग? ठीक है जी, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं बार बार, आप लोग मुझसे पता क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक स्मॉल बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। अब वो उसका प्रोसेस वही रहता है स्मॉल बिजनेस का, चाहे वो केटरिंग का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो टेलर का हो, चाहे वो राइटिंग का हो। आप अपने स्पेसिफिक बिजनेसेस का पूछना शुरू कर देते हैं, रादर देन कि आप उसी में से ये समझ लें कि यार इसको मैं अपने बिजनेस में ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ। एनी हाउ, चूंकि आपका सवाल था इसलिए मैं उसको आंसर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम फाइंड करनी है। प्रॉब्लम फाइंड करनी किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि प्रॉब्लम की बेसिस पे, सॉल्यूशन की बेसिस पे चलाया जाए, कि लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका मैं क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तभी आपका बिजनेस कामयाब हो सकता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ही लोगों को फ्रेंच क्लासेस फॉर एग्जाम्पल देना शुरू कर दें, तो क्या पता आपके पास कोई स्टूडेंट ही ना आए, क्योंकि फ्रेंच कोई सीखना ही नहीं चाहता। तो पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी ज़बान एक स्टैंडर्ड है, कि हर कोई चाहता है कि उसे अंग्रेज़ी ज़बान आती हो। आपका जॉब भी तभी सेलेक्ट करते हैं, आपके रिश्ते भी तभी बेहतर आते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉस्पेयर करने की सिचुएशन सभी बेहतर होती हैं, लोग ये समझते हैं जब आपको अंग्रेज़ी ज़बान आती हो। तो आप इस प्रॉब्लम को देखते हुए, समझते हुए, इसके अराउंड अंग्रेज़ी का कोर्स, क्लासेस लॉन्च कर सकते हैं। अब चाइनीज़ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ रहे हैं काफ़ी, सीपैक की वजह से ये वो, तो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं जो कि उर्दू सीखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए कोई उर्दू की कोर्स बना दें। या जो पाकिस्तानी लोग हैं वो चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उनके लिए कोई चाइनीज़ का कोर्स बना दें। सो अब अगेन ये सिर्फ लैंग्वेज तक वो नहीं है, लिमिटेड। आप इसको किसी तरह भी, मैथ्स की क्लासेस हो सकती हैं, मैथ्स के कोर्सेज हो सकते हैं, फिज़िक्स के कोर्सेज हो सकते हैं। बस आपने देखना है कि कौन सा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स का कोई अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा, या वो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, या CSS के लिए कोई कोर्स आप बना लेते हैं। सो इट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो मर्ज़ी नीश है, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं, अंग्रेज़ी ज़बान हो, CSS हो, कोई मैथ, साइंस, फिज़िक्स, आर्ट्स, कुछ भी है, कोई भी किस्म का कोर्स है, जो भी चीज़ आपको करनी आती है, ठीक है, वो चीज़ आपने, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो, उसके अंदर एक प्रॉब्लम फाइंड किया कि लोगों को ये चीज़ नहीं मिल रही, लोगों को अच्छा इंग्लिश का कोई कोर्स नहीं मिल रहा, या लोगों अंग्रेज़ी ज़बान सीखना चाहते हैं, कोर्सेज तो हैं बट उन कोर्सेज की या तो वो बहुत ज़्यादा हाई पेड हैं, या फिर बहुत लो क्वालिटी हैं, या उनका कोई सक्सेस रेट नहीं है, या फिर लोग फिज़िकल क्लासेस की बजाय ऑनलाइन क्लासेज ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन कोई अवेलेबल नहीं है। सो फाइंड आउट करें कि प्रॉब्लम क्या है, गैप कहाँ है, एंड देन अपना एक बिज़नेस उसके अराउंड डिज़ाइन करें, उस प्रॉब्लम के अराउंड अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करें कि कौन लोग हैं जो मेरी टारगेट ऑडियंस हैं, मतलब 18 साल के बच्चे, 25 साल की औरतें, शादीशुदा ख़वातीन, जिम जाने वाले मर्द। आपका कोर्स है ना, वो किसी भी बारे में हो सकता है, फ़िटनेस के बारे में भी हो सकता है, कुकिंग के बारे में भी हो सकता है, चाहे वो लैंग्वेज के बारे में हो, क्लासेस, ट्यूशन के बारे में हो, बट एक कोर्स बनाना है बेसिकली आपने। सो एक प्रॉब्लम ढूंढा, फिर एक टारगेट ऑडियंस ढूंढा कि किन लोगों के लिए, वो टारगेट ऑडियंस पूरी एग्जैक्ट माइंड मैपिंग करनी है अपने दिमाग में, उसकी पर्सोनिफिकेशन करनी है कि किस तरह एक टारगेट ऑडियंस को, कि उसकी क्या एज है, उसके क्या इंटरेस्ट्स हैं, वो क्या पहनना ओढ़ना पसंद करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, उसकी मतलब हर किस्म से आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, जो आपका आइडियल कस्टमर है। क्योंकि आपका बिजनेस का जो भी आगे ब्रांडिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, कोर्स डिज़ाइन करोगे, वो सब उसी बेसिस पे करोगे। फिर आप क्या करोगे कि बिज़नेस का कोई नाम सोचोगे, उसको रजिस्टर करोगे, गूगल माई बिज़नेस पे रजिस्टर करोगे, फेसबुक पेजेस बनाओगे, इंस्टाग्राम पेजेस बनाओगे, ट्विटर पेजेस बनाओगे, अपने बिज़नेस को लोगो क्रिएट करोगे, उसकी नेमिंग, ब्रांडिंग, कवर फोटोज़, सोशल मीडिया, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें क्रिएट करोगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप फाइवर पे किसी को $5 देके भी करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, कोई दोस्त भी आपको कर देगा। सो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पेजेस आप खुद क्रिएट कर सकते हो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर अब आप क्या करोगे, अब आपने कॉन्टेंट क्रिएट करना शुरू कर देना है अपने पेजेस के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ब्रोशर्स की फॉर्म में, जिस तरह भी, कि लोगों को एजुकेट करना है अबाउट प्रॉब्लम क्या है, और उनके इस प्रॉब्लम का सलूशन आपका कोर्स क्यों है, कैसे है। क्या आप 10 किलो वज़न कम करना चाहती हैं, क्या आप हसीन और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, मतलब यू नो, क्या आप फर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, क्या आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं बट उसके लिए आपके पास कोई स्किल नहीं है, क्या मतलब यू नो एनीथिंग। अपनी टारगेट ऑडियंस को सोचना है कि वो जो मेरा एंड यूज़र है वो कौन है, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन उन प्रॉब्लम्स का आंसर आपका कोर्स किस तरह है, ये आपने इसके बारे में कंटेंट क्रिएट करना है। मार्केटिंग मटेरियल्स हो जाएं बेशक, मतलब पेड
कैंपेन्स नहीं रन कर रहे हो, सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, करते रहो दो महीने तीन महीने कंटेंट क्रिएट करते रहो, देन एक पेड एड बेशक कर लो, एक सर्वे रन करो, ठीक है, एक सर्वे डिज़ाइन करो, एक क्वेश्चनेयर टाइप डिज़ाइन करो, बेशक उसको पेड करके कर लो, लेकिन अपनी टारगेट ऑडियंस तक, फॉर एग्जांपल 100 लोगों से आपने वो सर्वे फिल करवाना है कि मैं कोर्स बनाने लगी हूँ जी ऑन, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम मेकिंग अ कोर्स ऑन के बिल्कुल अंग्रेज़ी आपको नहीं बोलनी आती से लेकर बिल्कुल फरफर आपको अंग्रेज़ी बोलनी आ गई है, अब ये कोर्स हम डिज़ाइन करने लगे हैं, उसकी कोई बेसिक से इंट्रो दो सर्वे से पहले, और प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफ़ाइन करो, एंड देन उसके अंदर 10 सवाल लिख लो कि आपके मुताबिक इस कोर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जो लोग सर्वे फिल करेंगे, मतलब यू नो कि कोर्स की लेंथ क्या हो, कोर्स के अंदर क्या टॉपिक्स कवर हो, कोई 3 टॉपिक जो आप चाहते हैं लाजमी कवर हो, आपके क्वेश्चंस क्या है इसके बारे में, आप कितना पे कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, इस तरह के 10 क्वेश्चंस अपने सर्वे में डिज़ाइन कर लो। अब उस सर्वे को जब आप रन करो, बेशक पेड ऐड कर लो, 5-6 हज़ार रुपये की पेड कैंपेन चला रहे हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर वैसे ही कर लो अपने दोस्तों वगैरह से एक पेड कैंपेन कर लो, इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी आपने कोर्स डिज़ाइन नहीं किया, पहले आपने सर्वे रन किया है, सर्वे रन करने के साथ कहो कि आप में से जो भी लोग इस सर्वे को फिल आउट करेंगे उनको मैं अपना कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, या 50% डिस्काउंट पे दे दूंगा, 30% ऑफ पे दे दूंगा, कुछ भी कह दो। आपने तो कोर्स एक बार डिजिटली शूट करना है, वो आप जितने मर्जी का आप दो, आपको उस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जो लोग आप सर्वे ले रहे हैं उसको फिल कर रहे हैं तो उनको इन रिटर्न कुछ मिलना भी चाहिए, तो इट्स ओके अगर आप उनको कोई डिस्काउंट दे देते हो या फ्री दे देते हो, या उनको फर्स्ट 4 क्लासेस फ्री दे देते हो फॉर एग्जांपल। सो एक सर्वे किया, अब उस सर्वे में आपको जो लोगों के सवाल होंगे ना, 100 लोगों ने अगर आंसर किया है तो उसमें से टॉप 10 सवाल आप निकाल लो, ठीक है, क्योंकि वो टॉप 10 ही होंगे जो ज़्यादातर लोगों ने आपसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे होंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फॉर एग्जाम्पल सवाल है, या ज़्यादातर लोगों ने पूछा हुआ है कि हाउ टू गिव एन एक्सेलेंट इंटरव्यू इन इंग्लिश, सही है, या फिर लोगों ने पूछा हुआ है कि हाउ टू राइट योर ओवरव्यू इन इंग्लिश, या मतलब यू नो वो क्या चाहते हैं, उन्होंने लिखा होगा कि मैं अपनी अंग्रेज़ी किस तरह इम्प्रूव करना चाहता हूँ, या मैं फिटनेस के बारे में ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने बाल लंबे करना चाहता हूँ, मैं इतना किलो वजन लूज़ करना चाहता हूँ, मैं डाइट पे नहीं कॉन्स्टेंट रह सकता, मुझे डाइट के बारे में, तो जो भी लोगों के टॉप 10 सवाल हैं सर्वे के जवाब में, 100 लोगों ने जवाब दिया, जब तक 100 लोगों ने नहीं देना तब तक आपने सर्वे रन करते रहना है। 100 आंसर्स आपके पास आ गए, उसमें से आपने टॉप 10 निकाले, ये नहीं कि अगर 150 आ गए तो बाकी के 50 को आप ज़ाया कर देंगे, 150 में से आप टॉप 10 निकाल लेंगे, टॉप 10 निकाले और उन हर 10 को अपने कोर्स का एक एक मॉड्यूल बनाया, या बेशक अगर आपकी फिजिकल क्लास है बेशक ऑनलाइन है उसका एक एक मॉड्यूल बनाया, और उसके ऊपर पहले एक डेमो क्लास रन की, डेमो क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन मतलब एक इवेंट क्रिएट कर ले, फेसबुक पे आसानी से क्रिएट हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर लें, फेसबुक पे अपने दोस्तों से, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने बोर्ड पे, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑफिस में लोगों से शेयर करें कि जी फलां डेट को मैं इवेंट कर रहा हूँ इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर, ब्रोशर छाप लें, टारगेट ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इवेंट करें, उस इवेंट के अंदर फ्री डेमो है, वो फ्री सेशन है, और उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन लेंगे कि जी मैं फॉर एग्जांपल जो लोगों ने प्राइस बताई थी कि मैं 10,000 का कोर्स करवा रहा हूँ, 15,000 का कोर्स करवा रहा हूँ, 5,000 का कोर्स करवा रहा हूँ, और उसमें रजिस्ट्रेशन आपको कंफर्म हो जाएंगी कि डेमो क्लास में अगर 30 लोग आए हैं उनमें से 20 इंटरेस्टेड थे, या अगर 50 लोग आए हैं उनमें से 10 इंटरेस्टेड हैं, सो एक डेमो क्लास से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग आपके कोर्स में आ रहे हैं, उसके बाद आप अपने कोर्स को लॉन्च कर लें। अब इसकी मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो मार्केटिंग आपने इसकी कैसे करनी है, कि मार्केटिंग के लिए पहली बात सबसे ज़रूरी है कि अपने कोर्स की मार्केटिंग किस एक वर्ड है KISS, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना छोटा होगा जितना एक्यूरेट होगा उतना आपका मार्केटिंग मटेरियल अच्छा लगेगा। फेसबुक एड्स देख लें, गूगल एड्स देख लें, ब्रोशर एड्स देख लें, प्रिंट एड्स देख लें, कोई भी जगह हो, अगर बिलबोर्ड भी हो इवन, तो उसके ऊपर छोटा टेक्स्ट की ही जगह होती है और छोटा टेक्स्ट ही अपीलिंग लगता है। अगर लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देंगे, सेंटेंसेस लिख देंगे तो इट वोंट मेक सेंस। कोशिश करें कि वो राइम करते हो समहाउ, जैसे ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया, यू नो जहाँ मामता वहाँ डालडा, अब ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और वो क्योंकि वो राइमिंग्स थी इसलिए वो आज तक हमें साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग के अंदर स्टक है। तो जब एक चीज़ किसी बंदे के अंदर दिमाग के अंदर बैठ जाती है तो वो ऑलरेडी इंक्लाइंड हो जाता है टूवर्ड्स बाइंग इट, ठीक है। सो शॉर्ट सिंपल और राइम में हो आपका मार्केटिंग मटेरियल, देन अपने आप को और अपनी जो भी अगर कोई टीम के मेम्बर्स हैं तो उनको एज अ एम्बेसडर यूज़ करें। आपकी सोशल प्रोफाइल्स, आपका उठना बैठना, आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस उसी हिसाब से होनी चाहिए जो आपके ब्रांड को रिक्वायर्ड है। अगर कोई इवेंट हो रहा है आपके जो आपके कोर्स से या आपके नीच से रेलेवेंट है तो वहाँ पे बेशक आपको फ्री में भी जाना पड़ता है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, तो आप जाएँ क्योंकि आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलवेज़ यूज़ सेकेंड पर्सन इन योर मार्केटिंग मटीरियल्स, रादर देन सेइंग आई कैन डू
this, I have 10 years of experience, I can transform your life, I can make your life into, matlab, you know, say your life will be changed, you can do this, you will be a new person, you will achieve your goals, you will be able to do this, you will be able to do that, you will have a better status, you will have a better wealth, you will have a better life, you will look prettier. So you ke perspective se likhein, I ke perspective se kabhi bhi apne marketing ke materials ko nahi likhein. SEO थोड़ी बहुत कर लें, कीवर्ड रिसर्च गूगल एडवर्ड्स पे और गूगल ट्रेंड्स पे, कि देख लें कि क्या चीज़ें इन डिमांड हैं, लोग उनको सर्च करने के लिए किस किस्म के कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, या अपने कंपेटिटर्स का देख लें कि उनका क्या टॉप कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट वो रैंक कर रहे हैं. सो काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होते हैं, मॉज, बैकलिंको वगैरह, जहाँ से आप बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं या टॉप कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं. ऊबर सजेस्ट है नील पटेल का टूल, उससे आप इजीली कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपने भी और कंपेटिटर्स के भी. सो उनको देखें, उनको कैप्शंस में, डिस्क्रिप्शंस में, टाइटल्स में उनको इस्तेमाल करें. अगर वीडियोस, वीडियो मार्केटिंग लाजमी करें, 110% वीडियो मार्केटिंग करें. वीडियो मार्केटिंग के रिजल्ट्स 200% से भी ज़्यादा हैं. एक टेक्स्ट पोस्ट को और एक वीडियो पोस्ट को बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसकी इंगेजमेंट में. टेक्स्ट पोस्ट 10 लोग अगर पढ़ते हैं तो वीडियो पोस्ट 1000 लोग देखते हैं, इस हद तक फ़र्क है. सो मेक श्योर करें कि वीडियो मार्केटिंग को इन्वॉल्व करें. जब मार्केट कर रहे हो अपने बिजनेस को, अपने कोर्स को, अपनी क्लासेस को, तो डायरेक्ट बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करें, रादर देन के फीचर्स बताना शुरू कर दें कि जी 3 महीने का कोर्स है, ये होगा, वो होगा. डायरेक्ट बेनिफिट्स बताएं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैट्रिक का प्राइवेट का एग्ज़ाम आपका फेल हो गया मैथ्स का, तो अपना प्राइवेट एग्ज़ाम 1 महीने में क्लियर करें, या 1 महीने में फर अंग्रेज़ी बोलना सीखें. डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ जाएं. 1 महीने में इतना वेट लूज़ कर लें, 30 दिन में वेट लूज़ कर लें, 15 दिन में ये सीख लें, 15 दिन में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लें. सो डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ जाएं, रादर देन के फीचर्स लिखना शुरू कर देंगे, इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा. जो भी फीचर्स ही हों बेशक, उनको कोशिश इस तरह करें कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट की तरह लोगों को दिखाएं, रादर देन सेइंग कि मेरा कोर्स 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद बनाया गया है जो कि आपको एक बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बना देगा. आप सिंपली कहें 15 दिन में एक एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट बने. फिर आपकी मार्केटिंग नेचुरल भी होनी चाहिए और फन भी होनी चाहिए. थोड़ा बहुत उसमें ह्यूमर भी अलाउ करें, थोड़ा बहुत सार्कैज़म भी हो. अगर कोई फ़नी मैसेज बीच में ऐड करना है ज़रूर करें, बट डोंट डू टू मच मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग टू मच. कभी कभी जहर लगते हैं मुझे वो इश्तहार जिनके अंदर, मतलब चाय के इश्तहार में लोग नाच रहे हैं. इट इज़ टू मच ना यार, चाय के इश्तहार में क्या ज़रूरत है लोगों को इतना मेकअप, इतनी ज्वेलरी, इतना फैशन करके आके नाचना शुरू कर देंगे. मतलब चाय का ताल्लुक चाय से होना चाहिए. जैसे वो एक ऐड था, मुझे अच्छा लगा, वो चाय पे सास और बहू बात कर रही होती हैं, वो चाय नेचुरली अब पी रही है ना. इस तरह अपनी एडवर्टाइजिंग, बेशक वीडियोज़ हैं, बेशक टेक्स्ट है, बेशक किसी भी फॉर्म में है, एडवर्टाइजिंग को नेचुरल रखें और फन रखें ताकि लोग उससे रिलेट कर पाएँ. बहुत फार फेस्ट किस्म की एडवर्टाइजिंग ना करें, एक्स्ट्रावेगेंस उसमें इन्वॉल्व ना करें. सक्सेस स्टोरी शेयर करें. अगर आपने किसी को चाइनीज़ बोलनी सिखाई है तो अपने स्टूडेंट से एक टेस्टिमोनियल ले लें. अपने स्टाफ और मेंबर्स में से अगर किसी को आपने सिखाया है कुछ, अंग्रेज़ी किसी को सिखा दी है, उसका टेस्टिमोनियल ले लें. जो भी आपके, अगर 10 स्टूडेंट हैं, 12 हैं, 15 हैं, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफिस में, स्टाफ में, उनसे टेस्टिमोनियल्स लें, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ बनाएं कि कैसे आपने शुरू किया, कितने अरसे में आपने सीख लिया, अब आपकी ज़िंदगी में इसकी वजह से क्या क्या बेहतरी है या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं. सो सक्सेस स्टोरी शेयर करें, बिकॉज लोग इमोशनली उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं. जब लोग एक बात आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि मैंने बहुत फ्रीलांसर्स को सिखाया, फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है, आप इतने पैसे कमा सकते हैं, एक बात है. लेकिन अगर मेरा कोई सिखाया हुआ फ्रीलांसर जिसको मैंने सिखाया है और वो अब 3-4 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर वो ये बात कर रहा होगा तो आप उसको ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा होगा. सो सक्सेस स्टोरी शेयर करें. बिफोर एंड आफ्टर की अगर इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, वो शेयर करें कि कोर्स लेने से पहले ये ऐसा दिखता था, लगता था, बोलता था, कोर्स लेने के बाद ये ऐसा दिखता, लगता, बोलता है, जो भी आपका कोर्स है उस बारे में. ऑब्वियसली फिर वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. वर्ड ऑफ माउथ के जिसके साथ भी काम करें बहुत अच्छा करें, जिसको भी सर्विस दें उससे सिर्फ पैसे लेने की कोशिश ना करें, बल्कि उन पैसों को जस्टिफाई करें, उनको वैल्यू, उस बंदे को उन पैसों के अगेंस्ट मिलनी चाहिए. अगर उसने 10,000 रुपया पे किया है तो आप कोशिश करें कि उसे 50,000 की वैल्यू मिले, ताकि वो वर्ड ऑफ माउथ हो, वो कहे कि यार 10,000 में इतना अनबिलीवेबल कोर्स में तो कभी सोच भी नहीं सकता था. ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ सारे ब्रांड्स के लिए एक मेजर सेल्स का ज़रिया होता है. फॉर एग्जांपल, मैं ईलो को एक दफ़ा इस्तेमाल किया, एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स को, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई यार कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स मुझे मिली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. उसके बाद अब मैं
10 دفعہ وہاں سے خود بھی خرید چکی ہوں, اپنے پورے خاندان کو بھی خریدوا چکی ہوں, اپنے دوستوں کو بھی یہی مشورے دیتی ہوں. سو فیس بک پہ بھی کوئی پوچھے تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ بیسٹ ڈیل ہوئے, بیکاز میں اب ان کی ایک لائل کسٹمر ہوں. انہوں نے مجھے اتنی اچھی کوالٹی دی ہے اگینسٹ دیٹ ویلیو آف منی, انہوں نے جسٹیفائی کر دیا میرے لیے کہ اب میں ہر بندے کو ایلو ہمیشہ ریکمینڈ کرتی رہوں گی. سو اٹ میکس سینس کہ ورڈ آف ماؤتھ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر لوکل ایونٹس پہ جائیں, پریس ریلیزز لکھیں, نیوز لیٹرز چھپوائیں, اخبار میں ایڈ دیں, لوکل جو بھی آپ کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر انوالو رہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کی کیا سروس ہے, آپ کس کے لیے آفر کر رہے ہو. اپنے پاس اسکولس, کالج, یونیورسٹیز, جمس, ہاسپٹلس, جس سے بھی آپ کا کورس ریلیونٹ ہے وہاں پہ ایکٹیو رہیں, لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں اور اسی طرح اپنے برانڈ کو آگے بڑھاتے جائیں اور یو ول سی کہ آپ ان شاء اللہ سکسیڈ کر چکے. اگر اسٹل آپ کا کوئی کوشچن رہ گیا ہے تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آس دانکاش کی کمیونٹی ہے, dankash.com پہ جائیں, آس دانکاش کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں, آس دانکاش کی کمیونٹی میں کوشچن پوچھیں, میں جواب دوں گی. help@dankash پہ ای میل کریں, فیس بک پہ ان باکس کر دیں, یوٹیوب پہ کامنٹ کر دیں, کہیں پہ بھی پوچھیں, واٹس ایپ پہ اپروچ کر لیں. آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ہیلپ اینی ون آف یو, اینڈ میں چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, خوش رہیں, محبتیں بانٹیں.